नमस्कार दोस्तों, बी योर ओन एस्ट्रोलॉजर के नए अध्याय में मैं मनीष कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने सीखा था, मिथुन लगन की कुंडली में कौन से ग्रह योग कारक हैं या फिर मारक, और आज की वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे कर्क राशि पर। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यहां मैंने एक कर्क राशि की कुंडली ली है जिसके फर्स्ट हाउस यानी सेंटर में चार लिखा है, जिसके स्वामी हैं चंद्रदेव। और जैसा कि आप सीख ही गए हैं कि लग्नेश हमेशा योग कारक होता है, तो चंद्रदेव सबसे पहले इस कुंडली के लिए हो गए योग कारक। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड हाउस, जहां सिंह राशि है और इनके मालिक हैं सूर्यदेव। इन्हें लाभ स्थान मिला है और लग्नेश के अच्छे मित्र भी हैं, तो ये भी हो गए इस कुंडली के लिए योग कारक। अब आते हैं थर्ड हाउस, जहां कन्या राशि है, जिसके स्वामी हैं बुधदेव। और हम जानते हैं इनकी दूसरी राशि मिथुन है, जिसे इस कुंडली का 12th हाउस मिला है। एक तो मेहनत वाला घर और ऊपर से व्यय स्थान, और लग्नेश के अति शत्रु होने के कारण बुध देव हो गए इस कुंडली के सबसे बड़े मारक। अब आते हैं फोर्थ हाउस पर, जहां तुला राशि है, जिसके स्वामी हैं शुक्रदेव। इनकी भी दो राशियां हैं, तुला और वृषभ। तो इन्हें एक तो सुख सुविधाओं वाला घर मिला है और दूसरा लक्ष्मी स्थान। वैसे तो ये लग्नेश के शत्रु हैं, लेकिन दो अच्छे घर मिलने के कारण ये हैं इस कुंडली में योग कारक। अब आगे बढ़ते हैं फिफ्थ हाउस पर, जहां वृश्चिक राशि है, जिसके स्वामी हैं मंगल देव। इनकी दूसरी राशि है मेष, जो कि इस कुंडली में 10th हाउस में विराजमान है, और इस कुंडली के ईष्ट देवता भी मंगल देव ही हैं। तो आंख बंद करके दोस्तों, ये हो गए इस कुंडली में योग कारक। अब आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ हाउस पर, जहां धनु राशि है, जो कि बृहस्पति देव की है। इनकी दूसरी राशि है मीन। वैसे तो सिक्स्थ हाउस कुंडली का अच्छा घर नहीं माना जाता है, पर इन्हें एक त्रिकोण का भी घर मिला है, जो कि भाग्य स्थान भी है। तो दूसरा बहुत ही जबरदस्त घर मिलने के कारण ये हो गए इस कुंडली में योग कारक। अब आगे बढ़ते हैं सेवेंथ हाउस पर, जहां मकर राशि है, जिसके स्वामी हैं शनि देव। इनकी दूसरी राशि कुंभ है, जिसे इस कुंडली में 8th हाउस मिला है, और लग्नेश के अति शत्रु भी हैं, तो इसी कारण शनि देव हो गए इस कुंडली के लिए मारक। अब आगे बात करते हैं 9th हाउस की। इनकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 10th, 11th एंड 12th हाउस, इनकी भी चर्चा हो गई है। तो अब ये फाइनल लिस्ट तैयार हो चुकी है कि चंद्र लगन की कुंडली में कौन से ग्रह अच्छा फल देंगे और कौन से ग्रह बुरा फल देंगे अपनी दशा में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि सिंह राशि के अच्छे और बुरे ग्रह कौन से हैं। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, और हाँ, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहें। धन्यवाद।